प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक नल और नील नाम के दो मुसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के और ऊपर से दोनों ऐसा जरोग से ग्रस्त थे, उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहें, वहाँ जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो, उनसे कोई लाभ नहीं होता। तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें दसती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहाँ मुझे राहत मिल जाए। तो जहाँ भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये तीन ताप के अंतर्गत है। तीन ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं नहीं कटते थे, तो कहते तुम्हारे ये तीन ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोग नहीं पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती, उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए, और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहाँ बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची गए हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहाँ 50-100 व्यक्ति विद्वान थे, नल और नील भी वहाँ जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहाँ उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मातर से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं, तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ए भगवान, हमें नहीं मालूम था परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला, हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊँगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे, ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं, ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है अपना, एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या है।
कहने लगे महाराज मन उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं, और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ, उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जब इस विधि से आप सत्संग में आओगे, अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे, कि बस दूर हो जाए तू, तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है, नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें, और क्या अभिमान इस जीव का, एक मिनट में फूक निकल जाएगा, दो मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर, जिसका अभिमान ठाए फिरे, अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े, के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ, और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कित भोजन भंडारे में मदद करवावे, कित मैट बिछवावे, तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज़्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करें, तो इस तरह से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंद्र जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे, सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियाँ ऋषियों द्वारा, और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने नारी कुर्सी देंगे, हो रहा जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे, इसलिए वो वहाँ इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे, तो संत वही होते हैं। और वहाँ कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहाँ विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भाई प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है, और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति कर, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं है पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता,
ये तो ऐसे ही रहेगा, जूता पहन ले ले, और जूता पहन ले आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदायी होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे आपके प्रारब्ध रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है, और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना, ये भक्ति करते रहना, तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता, इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जाए, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जाए, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा, तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे, उपस्थित भक्तों को, और वहाँ परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे, कोई मानसिक पीड़ित, कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, कोई किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान हैं, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहाँ वृद्ध अवस्था ज़्यादा बीमार सीमार आते थे, तो भगवान सलाह दिया करते थे, भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करें। कहते कुश्ती हो वै संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोड भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसकी मदद करना बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए आपस में एक दूसरे को, सत साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ के नहीं जाना चाहिए। और हो वै श्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन कोई अपने क्रम बस गणिका भी बन गई है, वैसा वृत्ति कर रही है और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना, क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं अपने दोषों को ना देखकर दूसरे के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं, यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं कोई चोर है, डाकू है और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा, ये पाप कर रहा है तू, जिस क्षेत्र में वो रहता उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबुन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पार टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे, और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए, तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान लें, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति, जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो एक महान आत्मा थी नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे, बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊँगा, उनके कपड़े धोएं, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नुहावें, यानी इस तरह वो सेवा करने लगे, जो परमात्मा मनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे, वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से,
तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के, तो वो क्या करते, दरिया के किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे, और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे, और कहते थे देखिए वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे। पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ अब कहाँ गई वो हमारे प्रारब्ध, तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे हैं अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने। अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जा, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते, उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान, दास तो एक है जे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े, कहे वैसे बकरा है सर, आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वह सेलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। तो सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे, इतनी दूर से कैसे लाएंगे भाई, इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाएं जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगो कर पानी में बैठ जाते हैं, एक तरफ भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर तापत्तियाँ फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहाँ गए, गुरु जी ने बुलाए, परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते जी इनने कई बार कह लिए बात तो, ये फिर जाते भूल जाते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये महा दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंद्र जी ने परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहींगी, जहाँ रखोगे वही रहेगी, इधर टसमस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतने। अब इस वर को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े भिगो दिए, जहाँ रखे थे वही रहे, थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी तो बेला और उस पर दरिया पर रख देते थे जो का तो रहता था। फिर एकाध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एकाधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहाँ रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सथी रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं
गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू, पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपनात्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे, चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक कहते कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। एक साधु रूप बनाकर बैठ गए, ऋषि रूप में रहते ही थे। और पुण्यात्मा जो होती हैं भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी, बाकी का समय बाद व्यर्थ। अब संत ऋषि के दर्शन हुए, चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया। प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया, आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले भाई चलो आगे घर पे। वहाँ कुछ देर डिस्कस हुआ, उनके आपस में चर्चा हुई, परमात्मा से ज्ञान सुना उसने कि कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफ़ी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहाँ चलिए, और वहाँ पर आपके और भी बच्चे हैं, वह भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे, घर चले गए, आसन दिया, अलग से बैठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने, बाकी परिवार कहने लगा नहीं हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था, तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को उन्होंने पहले स्वीकार नहीं हुआ, फिर वो चले गए भगवान वहाँ से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहाँ पहुँच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूँ, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, ऐसा अनमोल ज्ञान देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा महिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास, वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बूंडे, इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज़्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवास सुनाया करती थी, पता नहीं क्या क्या, मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काट्या करती, हैं चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई,
कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढिए वो परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपज मिटे कोट उपहाद, ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहाँ अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं कथा, अक सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुँह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया, तू ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कदे देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरु जी आवन है तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह मैंने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी, परमात्मा अंतर्यामी जान गए, अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा, तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है, और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरु जी आवे तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए, यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहाँ तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई, पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो, परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूँ, जो नरे बकरे खावे नरे झोटे खावे मांस खावे दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए, क्यों ज्ञान से ज्ञान हुआ भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहाँ से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, मेरे को 1,00,000 पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आप, आपने संत की महिमा से अपरिचित नहीं हो इस कर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर धर्म कर किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होने के कुछ
समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंद्र जी ने मंदोदरी को समझाया, बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना दोहना मौत ले आई अपनी, और कह दे इसको इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, इसकी इसी में खैर है। औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला, जो यू ज्ञान आपको सुनेगा दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी तरह, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया, उसका देवर था विभीषण मंदोदरी, उसको लगी समझाने। पहले तो दोनों भाई बैठे थे रावण को समझावा थी, रावण नहीं मानना तो विभीषण कहने लगा मुझे बता तू ये बात, मंदो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूँ लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया, फिर कहा क्या अब क्या बने कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से कि चल नाम दिवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था, सीता को लौटाने को नहीं राजी हो रहा था, मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था, उधर भी विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है हैं, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा, क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है, नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, एक मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात ने, तो रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा और ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी, अपने गुरु जी से प्रार्थना की भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो एक बार, मान जाते वो ताप की बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बोड़ी बेटी अब ये जुगाड़ जोड़ रखे हैं काल ने हमारे, कितना नालायक एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति हो, रावण कहते हैं 100 जोटियाँ का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब है। अपुण आत्मा ये बात हमारे दच्चे नहीं, क्योंकि 100 जोटियाँ का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे 61वां वर्ष चल रहा दास का, जब हम छोटे छोटे थे इसे टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते ही 32 लड्डू खा जाता है एक 32, अब 32 आदमी खाओ 32 लड्डू आज के दिन, और उनके बद अजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ, तो कहने का भाव ये हम उस अतिथि बातें कि इतने कुक्रम करा डेली उसके बुद्धि में कहाँ आवे ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूँ एक दिन, कोशिश करूँगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान ते। इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी, और जिस समय उसकी मीटिंग होती थी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर,
उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के पास खड़े हुए, कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते हैं। अब वो कहने लगे पहरेदार, महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पर और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पर, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा ऋषि, देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने क्रोध में 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए, और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सींख थी झाड़ू की, ये झाड़ू होता उसकी सींख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे था वह सींख अड़ा दे थे, वो सींख के ऐसे लगे थी वह तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे के लग गया, कट्टा कट हुआ। अब जब 70 बार उसने अंधा दू जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया, परमात्मा बोले तेरे ब्याह सींख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। तब उसने पूछा कि तू, रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा, परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए, रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए, कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर बिना समझाइयो कौन है तेरे सामने, कहने लगा देख तू जा यहाँ से, तू आया किस लिए है बता, तेरी बात क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि रावण तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है, और मेरे आदेश का पालन करके जो तू इस लड़की को वापस दे देगा सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ विद्वान पुरुष हूँ, और तू एक भिखारी ऋषि मुझे क्या शिक्षा देता, मैं तेरी बात न मानू को। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था और न्यू अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पर, वो डंडा ले रखा था वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा बुजुर्ग ताऊ जी तू यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका, अरे डोगा भी ना उठता। नो बोला रे डोगा दे दे। तो कहने लगा शराब ना पिया करे। नो बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा तेने देना होता दे डोगा ना, जा तू अपना काम। नो बोला तेरे प्रवचनों बिना कच्चा ना रह रहा, तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है दारू ना पिया करे, धन यो डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तो अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग, परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा, क्यों देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नू ना माना, ये कौन है। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद,
और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी, ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ, कैसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, सटेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सींख थी, वह सींख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आगे। अपने आत्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, एक प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता हैं, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव के पास, जो परमात्मा से मिलने गई, और कहा भगवान अक्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता, मेरा पति का मुंह था वो मुझे सता रहा था, अब दाता वो बेसिक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया वो मरियो से जिंता रही हो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म कित होगा, तेरा कहाँ होगा, ठीक है जब तक आपका संयोग है, एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो, जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी, अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आएगी, अब समुद्र के ऊपर कर जावे कैसे। तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जलधी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूँ, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है, लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्नि बाण दे दिया उठा के, रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटे निकलने लगी, उसी समय एक ब्राह्मण रूप बना के समुद्र प्रकट हो गया और कहा भगवान यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआ हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे, ऐसा काम करो भगवान मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा वो बता क्या उपाय है फिर, कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे रामचंद्र जी के गेला, भाई इस आपत्ति आएगी और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया,
उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वहाँ बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक बार आपकी परीक्षा दो तुम। समुद्र ने ये बताया कि इनके गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहाँ से टस से मस नहीं होगी, वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं पड़ेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब देखो हम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील सौ सौ शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो अंडी पा के गए, अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये न सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंभा हुआ, उन्होंने फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब ये एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखे ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिखे। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था, और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा है। वो डर गए न्यू अकदे, फिर वो आपत्ति फिर ना आ जाए तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे, भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया, एकदम उदड़क के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो उनकी भक्ति नसगी, खत्म हो गई। रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा पुनकर्मी प्राणी पोस्ट ये मिल गई इसको, जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे वो कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही ये आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है जो जड़ है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते यह लोक चरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर। वो मूल मालिक जो है, जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है, तो वो सबका धारण पोषण यानी जिसकी जिस स्थिति की
कोई संकट है और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपने आत्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहाँ ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था, फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था, एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे तब संसार गमन तुम कीजे। और तीसरा कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा और वो एक जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा और समुद्र उसने बन नहीं देगा, आप वहाँ उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहाँ पहुँचे। वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा, इनका जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहाँ पहुँचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरु जी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए, निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए। तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूँ व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा इस पहाड़ के चारों ओर, एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल के और फिर सेट करना भी जानते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा ओ रख दिया, वो भी ना डूबा, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर, तो सबको विश्वास हो गया कि बनगी बात। अपन आत्माओं, हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत्साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था, ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े।
जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे एक दूसरे को, राम 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 चाचा, वो तीन चार बार बोला करता, राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।